नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। रीवा में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने पहले एक दिव्यांग छात्र को पीटा, फिर उसकी मां के साथ हाथापाई कर दी, महिला की साड़ी खींच ली, इससे उसकी साड़ी फट गई। लोगों ने जब हेडमास्टर की यह करतूत देखी तो उसे पकड़ कर पीट दिया। आरोप है कि वह नशे में था। विधानसभा निर्वाचन 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज पर निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी MCMC का गठन किया गया है। इसके द्वारा कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने MCMC सेंटर का निरीक्षण भी किया। गुलाबी ठंड शुरू होते ही संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी बढ़ जाती है। ऐसे में आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने बाघ व अन्य वन्य प्राणियों से बचने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। 8 गांव के लोग रोजाना रात 8 से 10 बजे तक रामायण पाठ व भजन कर रहे हैं। उनका मानना है कि शोरगुल से वन्य प्राणी गाँव में नहीं घुसते और जंगल में लौट जाते हैं। सतना के नागौद कस्बे में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने एक राह चलती महिला के जेवर उतरवा लिए और भाग निकले। वारदात के तरीके से पुलिस भी हैरान है। हालांकि जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को तलाशा जा रहा है। प्रदेश की सियासत में अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आखिर भाजपा से नाता तोड़ ही लिया। मेहर क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे मात्र 3 लाइन के अपने इस्तीफे में नारायण ने पार्टी छोड़ने किसी वजह का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि नारायण का आगे का राजनीतिक सफर अब भाजपा के साथ नहीं होगा। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए रीवा पुलिस ने भी कमर कस लिया है। सार्वजनिक स्थान से लेकर हाईवे में पैनी नजर है। वाहन चेकिंग समेत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में जिले भर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश में थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिना अनुमति पंजाब CM भगवंत मान को चुनावी सभा करना महंगा साबित हुआ। स्थानीय जिला प्रशासन व रिटर्निंग ऑफिसर ने आप पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अतरेला में आयोजित की गई सभा विवादों में आ गई है। इस सभा की अनुमति नहीं लिए जाने की वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सरिता पांडे को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इंदौर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधि प्रकोष्ठ नगर संयोजक पंकज वाधवानी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने हर स्टूडेंट्स को महीने में 500 से 1500 तक देने की बात प्रलोभन है। उज्जैन पुलिस ने आचार संहिता के बीच नकली नोटों की खेप पकड़ी है। करीब 2 लाख रुपए बाजार में चलने से पहले ही आरोपियों को पुलिस ने नकली नोटों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने 3 युवकों के पास से 2,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी इंदौर में पकड़ाए गिरोह से 40% कमीशन पर नोट लाकर चलाते थे। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार की रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को बेचने के मामले में आरोपी प्रेम मसीह को गिरफ्तार किया है। आरोपी जबलपुर से दिल्ली भागने की फिराक में था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर EOW की टीम ने उसे डूमना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।